देखिए, हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है। हमको बोलेगा तुमको देंगे देंगे, हाँ बस यही आएगा, दलाली करेगा, चाय पिएगा, अपना चला जाएगा। करोड़पति खरबपति होंगे अपने घर के, हमारे लिए नहीं है। मगर सरकार का संविधान से क्यों खिलवाड़ किए तुमने? सिर्फ मोदी जी और योगी जी के सहारे जीत रहे हैं, उन्हीं का नाम लेके तर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पसंद नहीं है क्या? अरे अरे, एक बार भी 10 साल में हम लोगों के बीच में काम की तो बात छोड़िए, वोट भी मांगने नहीं आई। बीजेपी के नाम पे वोट जितना दिन चल रहा है चलेगा, अभी भी चलेगा, इस बार भी जाएगा। ये तस्वीर क्या बदल गई? रोड बनाने से तस्वीर नहीं बदल जाती है, ठीक है? और ये जो रोड हाईवे बना हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसमें भी इतना भ्रष्टाचार उन्मूलन हुआ है, आप जगह जगह देखेंगे दर्रा खा गया है। ये जो सामने बेलन नदी का पुल दिख रहा है, हर महीने टूटता है, ये भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है, समझ रहे हैं आप? लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं। मिर्जापुर जिले से अपना दल SSA राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद हैं। तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने के लिए बेताब दिख रही हैं, लगातार वो जनसंपर्क कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को उम्मीदवार बनाया है। BSP की तरफ से ब्राह्मण चेहरे के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरी कठारी गांव में, यहां पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करके जानने का हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा बन सकता है, यहां की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट करने वाली है, और चुनाव का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम? शशिकांत मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही ठाक है। क्या लग रहा है, क्या चुनाव नजदीक है? चुनाव नजदीक है, सबसे चीज बेरोजगारी, महंगाई, जो भी पार्टी चुनाव में आई है सब लोगों का इन सब विषय में लेकर के चर्चाएं हो, और जो पार्टी उम्मीदवार अच्छा करे उसको वोट दिया गया। सरकार कह रही विकास वकास कराएं, तो विकास ध्यान नहीं देंगे? अरे विकास तो ध्यान है, लेकिन बिजनेस थोड़ी हो पाएगा, विकास और जरूरत है, विकास की जरूरत है। यहाँ से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से चुनाव होने वाला है? हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? रामदेव प्रकाश मिश्र है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इधर आपके? माहौल तो बीजेपी 404 जा रही है, लेकिन कैंडिडेटों का स्थिति अच्छा नहीं है। सिर्फ मोदी जी और योगी जी के सहारे जीत रहे हैं, उन्हीं का नाम लेके तर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पसंद नहीं है क्या? अरे अरे, एक बार भी 10 साल में हम लोगों के बीच में काम की तो बात छोड़िए, वोट भी मांगने नहीं आई। वोट मांगने नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए, आप तो कह रहे योगी मोदी का ध्यान दे रहे हैं, आप कह रहे वोट मांगने? भाई हम लोग तो मोदी और योगी के नाम पे वोट देते हैं। क्या आपको पसंद है उनका, खास चीजें लग रही हैं? बिल्कुल पसंद है, जिस तरह से हमारे देश को लोग आगे से लीड कर रहे हैं, हम लोगों को पसंद है। जो हर तरफ से विकास हो या अन्य चीजें हो, उस पर जो उन लोगों का जो है वो अच्छा है, बाकी तो सब अपना खाली अपना जेब भरने के चक्कर में है। भैया तो बोल रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी भी बिल्कुल है, महंगाई भी बिल्कुल है, लेकिन ठीक है, किसानों की भी समस्या है, लेकिन कुछ समस्याएं इनसे भी ऊपर है। क्या है इनसे ऊपर समस्याएं, तो जानना चाह रहे हैं। इन समस्याओं से जो हमारे भारत का जो अस्तित्व है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो वो है, जो इसका जो खतरा है, वो लोग अच्छी तरह से इससे निपट रहे हैं। बढ़िया कर रही है सरकार, बिल्कुल बढ़िया कर रही है। क्या खतरा लग रहा है आपको जो है भारत पे ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा है? क्या संकट अस्तित्व में था ऐसा जो है? जैसे अब हमारा यहाँ मंदिर बनारस में ज्ञानवापी मंदिर है, वो साफ साफ मंदिर दिख रहा है, मस्जिद कह रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी का मंदिर वहाँ पे है, ईदगाह शाहिदगाह बना है, ऐसे तो हजारों मंदिर मस्जिद मंदिर है, मस्जिद उसको बना के उसको बोल रहे हैं मस्जिद है, तमाम प्रकार की है। मतलब लग रहा है भाजपा सरकार में बचाया जा रहा है। बिल्कुल है, सबको ध्यान, बिल्कुल है, बेरोजगारी महंगाई नहीं रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये सब चीज बेरोजगारी महंगाई आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मूल हमारा है वही है, हमारा है जो है, हाँ वही है हमारा। प्रिया पटेल चेहरा मायने उनका नहीं, हमारे लिए मायने मोदी योगी है, मोदी योगी है। हाँ। प्रिया पटेल नहीं, नहीं ऐसा भैया है जी, राकेश पटेल। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल अब समीकरण जो है पहले के मुताबिक, जैसे अगले पंचवर्षीय समीकरण था
वही समीकरण अभी चल रहा है, कोई विशेष बदलाव नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास जिले में हुआ है, विकास जिले में हुआ है। जितने भी सांसद हुए हैं अभी तक का अगर बजट देखा जाए तो इनके कार्यकाल में 10 सालों में या बीजेपी के गवर्नमेंट में मिर्जापुर में आर्थिक और चाहे रोड मैप हो, चकमार्ग हो, और जो भी क्षेत्रीय विकास था वो भी हुआ है। और सरकार अच्छा काम किया है सरकार। बस बेरोजगारी वाला जो मुद्दा अभी चाचा जी ने कहा, तो बेरोजगारी वाला मुद्दा तो है, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। और विकास जिले में हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी 5,00,000 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण किया और अच्छा काम किया, और जनता के लिए यही आर्थिक व्यवस्था और विकास का श्रेय है। और जनता उसे ही जिताएगी जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करे, जनता के लिए, जनपद के लिए कुछ करे, विकास के लिए काम करे, विकास के मुद्दों पर आवाज उठाए। और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो पाइपलाइन का काम हो, घर जल नल, जल नल योजना हो, और बिजली का भी काम अच्छा हुआ। और बाकी ठीक है, हम लोग भाई अब बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे हम लोग। एक्टर क्या है, अनुप्रिया पटेल का काम पसंद आया या मोदी योगी का काम? अब पसंद तो जो भी सत्ता में रहेगा, कोई भी सत्ता हो, अगर वो जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर यहाँ पर इस जिले में है तो कोई भी हो वो काम करेगा, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो चाहे अदरवाइज कोई भी हो। अगर वो सत्ता में रहेगा भाई, वो सत्ता में जनता उन्हें लाई है इसीलिए कि हमारे जनपद का विकास, तो विकास का। और जो भी प्रत्याशी विकास के एजेंडे पर काम करेगा वो उसको जनता चुनेगी, इसमें कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है कि वो पटेल हैं तो हम जातिगत बात करें। लेकिन इस पे ये है कि जितने भी सांसद अभी तक हुए हैं, समझ रहे हैं, और पानी नहीं चालू हो रहा है, और हाँ पानी नहीं चालू हुआ है, पानी के लिए मर रहे हम लोग। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या क्या समस्या है? समस्या की पानी यहाँ जो प्रधानमंत्री योजना जो लागू हुआ है वो अभी चालू नहीं हुआ है, न ज्वाइंट हुआ है, हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाईवे पर पानी नहीं मिल पा रहा है। पहले समस्या थी ऐसी कि हाईवे बनने के बाद हुआ है? नहीं, पहले तो नहीं थी, जगह जगह हैंडपाइप था। जो हैंडपाइप नया बन गया है पानी सही नहीं है, और जो चालू हुआ है कनेक्शन ये भी चालू ही नहीं हुआ है, पानी चालू नहीं हुआ है यहाँ पे, पानी शुरू नहीं हुआ है, नहीं पानी प्रमुख समस्या है। हाँ बहुत समस्या है, हाईवे में बहुत समस्या है। वो बताइए, नहीं पानी की व्यवस्था है, ऐसा है कि बेलन नदी सूख चुकी है, मान रहा हूँ अभी ये पाइपलाइन का काम शुरू में हुआ है, ठीक है, अभी भाई टेंडर हुआ, अभी हाल में ही ये काम हुआ है, अब इसका पॉलिसी होगा भाई, कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा। अब सरकार नहीं हुआ है यार, छह महीने से पाइप बिछी पड़ी है, एक साल पानी चालू हुआ, इधर कहीं पानी नहीं चालू है, और इधर बेलन नदी में पानी नहीं है, चापा कलों में पानी खत्म, अगर एक घंटे आप यूज कर लो तो फिर पानी नहीं मिलती। अभी मार्च के महीने में, मई जून जाते जाते तो पता नहीं क्या हाल होगा। विकास जी हमने बात विकास में लड़खड़ाने वाली बात, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण तरीके से विकास हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास हुआ है मैं उसकी उपलब्धियां मैं आपको बता रहा था, जहां पर नहीं हुआ है जैसे कि पाइपलाइन वाला समस्या, जल नल योजना वाली बता रहे हैं। अभी मान लीजिए कि इनके यहाँ नहीं पहुंचा है, और क्षेत्रों में अभी मैं तिलाव गया था, लोकईपुर गया था, सोनबरसा साइड गया था, कोटा घाट साइड गया था, तो वहां पर तो ये व्यवस्था है, वहां पर लोग घर घर पानी पा रहे हैं। ये जो अब यहाँ पर नहीं है तो भाई यहाँ की समस्या, और वो टेंडर जो लिया है वो जाने, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, वो तो उसकी एक मिनट कर दिया, उसकी अगर सरकार काम कंप्लीट कर ही देते तो ये चालू नहीं हो जाता। ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार पूरा काम कर दिया? अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल में एक बार नहीं रुकी है, एक बार यहाँ नहीं रुकी है, किसी से बात नहीं किए हैं, जाती भी यहाँ से निकल गई चुपचाप, क्योंकि यहाँ से तो चुनाव लड़ती नहीं है, लड़ता तो बीजेपी है, जीतेगी बीजेपी, उन्हीं के नाम पे हम लोग वोट देंगे। आप किसके नाम पे देंगे? बीजेपी के नाम पे बिल्कुल देंगे। अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से एक बार भी नहीं रुकी है, वोट मांगने नहीं आई वोट तक कभी नहीं मांगने आई, मिलने के बाद बात छोड़ दीजिए।
कोई बता दे कि हाँ वोट भैया हमसे मांगने आए हैं, हमको वोट चाहिए। नहीं आती है, बीजेपी के नाम पे वोट जितना दिन चल रहा है चलेगा, अभी भी चलेगा, इस बार भी जाएगा। ये तो हमारा लोगों का, हम बीजेपी को देंगे। तो क्या और कोई काम अच्छा है तभी तो देंगे यार। उनका है ना, अनुप्रिया पटेल की तो नहीं है। वो जब 10 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए तो कैसे मान ले। हम तो योगी और मोदी के लेंगे। नहीं देखे फोटो, नहीं देखे उनको, नहीं देखे फोटो में देखे। और नहीं, प्रत्यक्ष यहाँ कभी नहीं रुकी है, आज तक नहीं रुकी, आज तक रुकी नहीं है। हाँ बैनर लग जाता है, अभी कुछ दिन बाद सारे जगह बैनर लग जाएगा। हमको देना बीजेपी को वोट है तब वो आए ना आए, पर वोट तो जाएगा ना बीजेपी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे थे भैया? भैया यही कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वही कह रहे हैं। क्या क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल भैया देखिए, जनता जिसके बाद रहेगी, जिसको वोट देगी वही आएगा। देखिए ठीक है, क्या रहेंगे, किसको ध्यान में रखेंगे आप लोग? समय आने पर ये पता चल जाएगा हम लोग किसको वोट देंगे किसको नहीं, पूरे क्षेत्रवासी। मुद्दा क्या रहने वाला है, जहन में क्या रहेगा? मुद्दा यही है कि देखिए, जो हमारा मिर्जापुर जिला है अति पिछड़ा जिला है, ठीक है, इसका जो विकास करने का उत्थान और जो प्रण लेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोई पार्टी नहीं, कोई सांसद नहीं। अरे 10 साल में तो है भैया बोले तस्वीर बदल गई, आप कह रहे विकास। ये बताइए तस्वीर क्या बदल गई? रोड बनाने से तस्वीर नहीं बदल जाती है, ठीक है। और ये जो रोड हाईवे बना हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसमें भी इतना भ्रष्टाचार उन्मूलन हुआ है, आप जगह जगह देखेंगे दर्रा खा गया है। ये जो सामने बेलन नदी का पुल दिख रहा है हर महीने टूटता है, ये भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है, समझ रहे हैं आप? हर महीने टूट रहा है, रोड से विकास नहीं हो रहा, रोड से विकास नहीं होता। बताइए इनको, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा लॉजिक जो है समझाइए कैसा है, दिख नहीं रहा है, मुंह अपना दीजिए। नहीं मेरे कहना, नहीं नहीं चश्मा वाली बात नहीं है, ऐसे ही मामला ये है जो है कि भ्रष्टाचार तो भाई देखिए, वो टेंडर हुआ, भ्रष्टाचार तो जो टेंडर लिया वो किया, समझ रहे हैं? सरकार का एक गाइडलाइन, जैसे कि बात हुई, जैसे कि एक केंद्र सरकार की पॉलिसी है, ठीक है, अगर यहाँ की जनता अगर वोट दे रही है तो केंद्र सरकार की पॉलिसी से ही दे रही है, अगर प्रसन्न है तभी तो देगी, ठीक है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी सांसद होगा, ठीक है, जो भी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, उसे विकास करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो रोड मैप हो। अगर ये केंद्र सरकार का, आप बताइए सड़क के बात पर मैं अपना, अब इनसे बात हो रही है, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, इनसे बात हो रही है ना, आप अपना प्रस्तुति आप इनके सामने दीजिए, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इनसे बात करिए, ठीक है मित्रा जी। तो भाई देखिए, ये जनता जो भी जी जो भी सांसद होगा वो व्यक्तिगत भाई जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। सरकार जो आपका निधि है, जो एक सांसद का निधि होता है, जितना उनका निधि आएगा उतना काम करेंगे। अगर नहीं, सांसद एक मिनट सांसद के बाद एक सांसद के पास साल में का बरौंदा कोई प्रोजेक्ट नहीं आई बैठ गई नहीं, 10 साल से बरौंदा क्षेत्र के लिए द्रामलगंज लालगंज बरौंदा के बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, पैसा नहीं आया ना, सरकार का पैसा आया नहीं है, इसका मतलब अरे पाइप लाइन अगले साल आए, पाइप लाइन का काम हुआ, पूरा लाइट बिजली तार खंभा, ये रोड कहाँ बना है आपके? बरौंदा बना है ना, नवीकरण हुआ है पहले से, नवीकरण हुआ है ना, लाइट पहले से था, नवीकरण हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ 10 साल 15 साल में, क्या हुआ बताए? केंद्र सरकार की रोड आज भी टूटा था, 12 घंटे के लिए आती थी, 8 घंटे आती थी, ठीक है, अब 18 घंटे आ रही है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? सरकार सारी व्यवस्था दे ही रही है, शासन की नीतियों के तहत रोटी कपड़ा मकान जो भी है, जो युवा है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी कॉलेज है वहां पर 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री सुविधा सरकार दे रही है। नहीं, ये पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, ठीक है, व्यवस्था नहीं है। हाँ तो बात हम बात यहाँ की कर रहे हैं, यहाँ जो कमी है वो बताइए, तो यही कमी सरकार तो कर रही है, सरकार कर रही है। देखिए हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, 5 किलो राशन की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है, समझ रहे हैं आप? यहाँ रोजगार, ठीक है, आपके 5 किलो राशन देने से और रोटी कपड़ा मकान देने से आप लोगों को अपाहिज बना रहे हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है, हमें रोजगार चाहिए। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, मिर्जापुर जिला एक ऐसा जिला है, ऐसा पिछड़ा हुआ जिला है जहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। आज भी आज बाहर जाएंगे ना, आपको क्या कहते हैं, अति पिछड़े में ही कहेंगे कि पिछड़े इलाके से है। यहाँ पे कोई आता है तो यही कहता है कि भैया बहुत पिछड़ा इलाका है,
तो इसका विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विकास का मुद्दा ये है जो है कि जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, जैसे यहाँ पर अगर बोरा फैक्ट्री ही लग जाए, बोरा वाली फैक्ट्री, तो यहाँ पर लोकल आदमियों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे और किसानों की, सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, किसानों के पास खेती करने के लिए कोई नहर नाले तो बने हुए हैं लेकिन उसमें पानी ही नहीं है, तो बताइए किसानी कैसे होगी? जब किसान आगे नहीं बढ़ेगा देश कैसे बढ़ेगा भाई साहब? इस साल धान की खेती इधर नहीं हुई है बिल्कुल, पानी के कारण बरसात हुई नहीं, जानवरों नदी बाढ़ सागर योजना से जुड़ी हुई है पर हम लोगों को एक बल्टी पानी नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि जो बेलन नदी है, बेलन नदी के पानी का उपयोग इलाहाबाद जिला में लोग कर रहे हैं, यही मिर्जापुर जिले के लोग उसका उपयोग ही नहीं, लाभ ही नहीं पा रहे हैं, सूख चुकी है और यहाँ पे सारे जमीन बंजर पड़े हुए। आप भी जाके सर्वे कर सर्वे करिए, यहाँ पे खड़े हो जाइए देख लीजिए पूरे जगह नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है। तब भी बताइए आप लोग मोदी को वोट देंगे? नहीं, अब भाई अब उनको तो वोट देना है। क्या ऐसी वजह है कि जो आप मोदी को वोट देंगे? देखिए वोट देना मजबूरी बन गया है, मजबूरी बन गया, वोट देना मजबूरी बन गया है, ऑप्शन इसके अनुदर ऑप्शन ही नहीं है, किसको वोट देंगे आप? राहुल को दीजिए आलू से सोना बना देंगे। राहुल जी को वोट दीजिए आलू से सोना बना देंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, नहीं वो तो बोल रहे भाई हम आलू से सोना बना देंगे। नहीं आप पूरा बयान लग रहा नहीं देते वो वाला नहीं नहीं वो लगता है नहीं, वो तो बना सकते हैं, उनमें काबिलियत है, आलू से सोना बना सकते हैं, और राहुल जी में काबिलियत है, राहुल जी बना भैया। मैं यही कह रहा था कि कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है कि बीजेपी के सिवा, बीजेपी हमारा देश हित में तो बहुत सही है, राष्ट्र हित में बहुत सही है, बस शर्त जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पा रहे हैं सही, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं। जैसे अभी भैया ने कहा है जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है उसके लिए एक थर्ड पार्टी अपॉइंटेड हुई है लेकिन वो थर्ड पार्टी कभी भी देखने नहीं आई कहाँ पानी चालू है, कहाँ क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणों से ही भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है यहाँ पे, चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है, यही मूल कारण यही है। और मिर्जापुर में सबसे बड़ी समस्या है पानी का, अगर पानी मिल जाता है तो मिर्जापुर जिले से विकसित कोई जिला नहीं होगा पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में पानी मेन जो है पानी। अरे हम क्या कहें, हम तो शौचालय तक नहीं पाया, तिलक प्रधानी आवास भी पाया था 2017 में प्रधान ने कटवा दिया हमारा, और चलिए मैं अभी दिखाता हूँ ठाकुर को तीन तल्ले पे आवास दिए गए हैं, तीन तल्ले पे आवास दिया गया, उसके आगे मकान है उसके पीछे भी आवास दिया गया उसको, उसकी जांच कौन करेगा? जो गरीब है उसके लायक उसको नहीं मिला, प्रधान क्यों ऐसा किया, उनकी जाँच होना चाहिए। प्रधान जी भी भ्रष्टाचार, प्रधान ही भ्रष्टाचार है, पैसा लेके आवास दे रहे हैं फिर भी बोलेगा हमको वोट नहीं दिया इसको नहीं देंगे, जो दलाल उसके कर रहा है वो कर रहा है, 8 लाख आवास वो नहीं पाए, लग रहा है मोदी जी को भी वोट नहीं दिए इसलिए। मोदी की मैं पर्सनल हूँ दयाशंकर मोदनवाल, हाँ मैंने, मैं मोदी को नहीं छोड़ सकता, हमारा हो या ना हो, देश का हो रहा है ना, मैं एक विचार पे हूँ, मैं नमक रोटी खा के बिता लूंगा, हाँ मगर मैं ये देख रहा हूँ प्रधानों को तो सूचित किया गया था वो क्यों नहीं हुआ पूरा काम, उनको चाहिए ना, हमको कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कर्जा प्राइवेट लेके रहने के लिए ईंटे का दीवार बना के रह रहा हूँ, अभी जांच करना, चलिए वीडियो ले दिया हमारा देख लीजिए, मतलब कोई वहाँ पे विकास गांव में नहीं हुआ है। हमारा नहीं विकास हुआ, जिसका मैं इसी गांव का महुआ महुआ गांव का, इसके पहले 2017 में राजन आदिवासी प्रधान था, इस बार हो गए धर्मदो मिश्रा हो गए, वो तो और वोटर लिस्ट से भी नाम कटवा दिए हमारा, अभी सांसदी वोट दी देखेंगे, 20 साल से मैं वोट दे रहा हूँ, मैं 20 साल से वोट दे रहा हूँ यहाँ, कट गया था फिर येल्लो आया दौड़ा अभी एक हफ्ता पहले, अभी प्रधानी मैंने वोट दिया था, हाँ अभी प्रधानी वोट भी दिया था दोनों प्रधानी, अभी लड़का भी हमारा 18 साल को गया और भी वोट देगा, कुछ नहीं दिया हमको, बोलेगा तुमको देंगे हाँ बस यही आएगा दलाली करेगा चाय पिएगा अपना चला जाएगा, करोड़पति खरबपति होंगे अपने घर के, हमारे लिए नहीं है, मगर सरकार का संविधान से क्यों खिलवाड़ किए तुमने, उसकी जांच होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, महुआ ग्राम सभा में पूरी जांच होना चाहिए आवासों की, हाँ होनी चाहिए, किसको किसको मिला किसको नहीं मिला, ठीक ठीक।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे काफी लोग थे, उनका कहना था कि अनुप्रिया पटेल यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन मोदी और योगी का चेहरा पहले है क्योंकि उन्होंने विकास कराया है और उन विकास को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे। कुछ भाइयों का कहना था कि यहाँ पे योगी मोदी के अलावा कोई, बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि जिस पर उनका भरोसा हो। कुल मिला जुला के नाराजगी तो है, स्थानीय उम्मीदवार से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन फिर भी वोट भाजपा को ही देंगे। मिर्जापुर से NBT ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।